जी आई थिंक सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे वहीं पे हुई आटा गूंदने में और अंकल जी के ताने सुनने में, लेकिन आंटी जी ने बहुत हेल्प करी मेरी, मेरे को सपोर्ट किया, मैंने समोसे भी बनाए, आटा भी गूंदा, रोटियां बनाई, अंकल के लिए पैक बनाए, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, जो जिस इस केस में मुझे शन्नो चाहिए थी, कुछ भी हो जाए दिल लगा के करो और आप पास हो गए। हाँ मैंने बोला ना आई बाबा तुम्ही खूब गोरा हाँ। और मैंने बहुत वर्जन मिलेगा फिल्म में। हाँ मतलब कोशिश की है, मैं गलत हो सकती हूँ, बट मैंने बहुत इंजॉय किया। आई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे साड़ी पहनना सिखाया जो मैंने कभी लाइफ में नहीं पहनी, और उन्होंने मेरे को खाना बनाना भी सिखाया जो मराठी कल्चर में बनता है, जैसे बैड मदर मराठी आपने मुझे खाना बनाना। और ये पहला घर है जहाँ पे वो कम बोली, क्योंकि साथ के साथ इतने स्ट्रिक्ट है कि उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। और मेरे घर में ना मेरी मम्मा साथ देती थी ना बातों बातों में, इसलिए। पर ये बाबा ने भी मुझे बहुत प्यार से रखा। कुछ कुछ जगह वो मेरे लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट थे क्योंकि उनको मेरी परीक्षा भी लेनी थी, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके जो भी एग्जाम्स जो भी वो टेस्ट मुझे दे रहे हैं वो मैं अच्छे से पूरे कर सकूं। तो यस मुझे आई ने बहुत हेल्प किया उसमें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं जो वैसे ही इतने होली हैं, इतने पायस हैं, तो इस दिन आप कुछ भी करिए तो बहुत अच्छा होता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपको लव एक्सचेंज की टीम बहुत फॉर्चुनेट है कि नवरात्र के टाइम उन्हें ये मौका मिला है। एंड आई थिंक कि जो पूरी हमारी नौ देवियाँ हैं और भी देवियाँ हैं उनका पूरा आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और आज फॉर्चुनेटली उन जो आज फोर्थ डे है और आज जो आज की जो देवी है वो अष्टभुजा देवी होती हैं, क्योंकि उनके आठ हाथ होते हैं और वो एक ऐसी देवी हैं जो सूर्यमंडल में विराजमान करती है अंदर वहाँ पे जो है, तो वही एक ऐसी देवी हैं जिनमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो उधर विराजमान होती हैं और उनका प्रकाश भी सूर्य के समान होता है। सो आई विश देम कि जैसे प्रकाश उनके अंदर होता है वैसी प्रकाश उनकी मूवी को भी मिले। हाँ हाँ, मतलब हमारी जो कहानी है ये साठे परिवार और कपूर परिवार की कहानी है, तो ये दोनों कल्चर्स एकदम अलग हैं। तो जैसे हमने हमारा जो पोस्टर लॉन्च है वो महाराष्ट्र स्टाइल में गणपति जी के आशीर्वाद से किया था अंधेरी के राजा में, तो हमने सोचा कि अब कपूर खानदान भी सोच रहा है कि अगर साठे खानदान गणपति के वक्त पोस्टर लॉन्च कर सकता है तो कपूर खानदान क्यों पीछे रहे, उन्होंने माता की चौकी रखी है और सबको बुलाया है। हाँ हाँ बिल्कुल वो तो मतलब हम कैसे पीछे रह सकते, ये इन लोगों को मतलब ऐसा एक चैलेंज दिया गया है कि तुम लोग एक दूसरे के घर पे रह के दिखाओ और कल्चर सीख के दिखाओ, फिर हम सोचेंगे, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग 3 महीने में इतने थक जाएंगे और हार जाएंगे और एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं, 3 साल भी अगर एक दूसरे के घर पे रहते तो खुश रहते और सबको खुश करते और बस शादी करके सेटल हो जाते। 30 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। ये दो परिवारों की कहानी है, एक मिस्टर कपूर और एक मिस्टर साठे, और दोनों के बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे और एक चैलेंज रखा गया उनके सामने। अब उस चैलेंज को वो कैसे पूरा करते हैं और क्या वो इस चैलेंज में सफल होते हैं या नहीं, ये आप लोग सबको अपने परिवार को लेकर 30 तारीख को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में आकर हम इस फिल्म को देखिए और हमें बेस्ट विशेस दीजिए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.